व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रजाहान, आप देख रहे हो टेकबॉक्स। ये है रियलमी 10 प्रो प्लस और इसमें दोस्तों जो अपडेट आया है 8.25 का, उसके बाद हम इसको डिटेल में टेस्ट कर रहे हैं कि इस फ़ोन में क्या है नहीं है। वैसे फीचर्स वाला वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ नया फीचर्स नहीं है और जैसे जैसे आता है तो हम दे देते हैं। लेकिन अभी दोस्तों इस सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:25 और यहाँ पर जो डेट है देख सकते हैं 5 अप्रैल, और हमने 4 अप्रैल को इसको चार्ज में लगाया था और चार्जिंग का भी टेस्ट आपको आगे मिल जाएगा। 4 अप्रैल वाला जो है चार्जिंग टेस्ट मिल जाएगा। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बैटरी ड्रेन टेस्ट भी चल रहा है साथ ही साथ। तो अभी 14% बचा है सुबह के 5:25 में, 14% चार्ज है। तो अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि मोबाइल कितना हीट होता है, क्योंकि बैटरी लास्ट होता है तो बहुत सारा फ़ोन हैंग भी होता है, तो वो भी चीज़ पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहे, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बोलूँगा कि मैं DSLR यूज़ नहीं करता हूँ तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको जो टेस्टिंग है एकदम जेन्युइन मिलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग टेस्ट की, जो आप देख लीजिए स्क्रीन में आपको चार्जिंग टेस्ट दिखता होगा। यहाँ पर रियलमी 10 प्रो प्लस है और ये एकदम 0% बैटरी पे, ठीक है। अभी हम इसको चार्ज पे लगाएंगे, लेकिन अभी आप टाइम देख लीजिए तो 10:54 हो रहा है। तो ये चार्ज में लगा चुका हूँ मैं, और यहाँ पर से स्टॉप वॉच हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 10:55 से शुरू किया और स्टॉप वॉच हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ज भी होना शुरू हो गया है। तो चलिए जैसे ही पावर आता है, क्योंकि 0% बैटरी था तो जाहिर है इसको थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लगेगा, और हम सिर्फ सिम चालू करके रखेंगे, बाकी जो इंटरनेट है या वाईफाई है जो भी है उसको बंद करके इसको चार्ज करेंगे और देखेंगे कि कितने देर में रियलमी 10 प्रो प्लस जो है 100% चार्ज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर चालू हो चुका है, टाइमर भी चालू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज कर देता है। और हम इसको 0% से एकदम शुरू किए हैं, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ऑन रहेगा, बाकी कुछ ऑन नहीं रहेगा, ना ही ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई, ना ही इंटरनेट, सिर्फ सिम चालू रहेगा और फोन चालू रहेगा। तो 0% से हमने शुरू किया है और देखते हैं कि कितने देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। और 10:56 से हमने शुरू किया है, ठीक है, 10:56 से। तो देखिए यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है और अपना रियलमी 10 प्रो प्लस ऑन भी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं ऑन होने में टाइम लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 मिनट से कम टाइम में ये ऑन तो हो चुका है, बूट हो चुका है फोन। देखते हैं कि जब ये ऑन हो जाएगा तो कितने परसेंट बैटरी पे रहेगा। तो हम इसका लॉक खोल देते हैं और यहाँ से वाईफाई वगैरह सब कुछ को बंद कर देते हैं, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया, सब कुछ यहाँ से बंद है, ठीक है। पावर सेविंग मोड से भी हम हटा देते हैं, मोबाइल नेटवर्क से भी हमने हटा दिया है। यहाँ पर देखिए 3% बैटरी हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, 3% बैटरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि कितने देर में चार्ज हो जाता है। और देखिए बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। और अभी 3% यहाँ पर बैटरी आपको दिखता होगा जो आप स्क्रीन में, और यहाँ पर 10:56 से शुरू हुआ है, 57 हो गया है, देख लीजिए 10:57 हो गया है, और यहाँ पर 1:44 हो गया। तो चलिए देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज हो जाता है। और नेट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है, ना ही ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई, ना ही कुछ, ठीक है, सब कुछ बंद है, सिर्फ फोन चालू है। तो चलिए आते हैं हम थोड़ी देर में और देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज हो। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 9 मिनट हो चुका है, और 9 मिनट में ये जो चार्ज हुआ है आपको दिखा देते हैं। 9 मिनट में ये 19% चार्ज हो चुका है फोन, ठीक है, 9 मिनट में 19% चार्ज हो चुका है, और बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है, बस आपका फोन और सिम चालू है, ठीक है। तो 9 मिनट यहाँ पर हो चुका है, लगभग समझ लीजिए कि 10 मिनट होने वाला है और ये 19% चार्ज हो गया। तो देख सकते हैं कि 10 मिनट में ये 19 रहेगा या 20 रहेगा, वो चीज यहाँ पर पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पता नहीं अभी हम माइक नहीं लगाए हुए, इसलिए हमारा आवाज पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया है 20% चार्ज लगभग 9:45 यहाँ पर चल रहा भी, समझ लीजिए 10 मिनट में ये 20% चार्ज कर देता है। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना परसेंट चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 30% चार्ज हो चुका है, और लगभग यहाँ पर 14.5 मिनट हुआ है, ठीक है। तो 30% यहाँ पर चार्ज हो चुका है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 14 मिनट हुआ है अभी तक, देख लीजिए 14:42, 43, 44 हो रहा है, और 30% यहाँ पर चार्ज हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर 20 मिनट में आता है और देखते हैं कितने परसेंट ये चार्ज हो जाएगा।
21 मिनट में ये 43% बैटरी को चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। वैसे यहाँ पर टाइमर वगैरह चल रहा है और 11:16 हुआ है, 10:57:56 से हमने शुरू किया था और अभी ये मामला है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में ये फुल चार्ज कर देता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है चार्ज और आधा घंटा में यहाँ पर 62% बैटरी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 37 मिनट चार्ज हो चुका है और मेरा फोन भी आ गया है। यहाँ पर 37 मिनट चार्ज में ये देख सकते हैं 74% बैटरी है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में होता है। तो दोस्तों 42 मिनट हो गया है और 42 मिनट में ये 80% चार्ज हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 55 मिनट हो चुका है, देख लीजिए 55:28 और 99% यहाँ पर बैटरी हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है सॉरी 55 मिनट बैटरी हो ये हो चुका है टाइम 55:40 और यहाँ पर 99% बैटरी हो चुका है। तो यहाँ पर 100% बैटरी हो गया है और हम इसको स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर 55 मिनट लगभग समझ लीजिए कि 56 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, यहाँ पर 56 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो इसको फुल चार्ज होने में अभी टाइम लग रहा, पहले 40 मिनट लगभग लगता था लेकिन अभी समझ लीजिए कि यहाँ पर 56 मिनट लग रहा है इसको फुल चार्ज होने में। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर देखा गया है जो हमने आपको लाइव डेमो दिखाया। ठीक है, अभी आप बैटरी ड्रेन टेस्ट देख लीजिए कि बैटरी ड्रेन टेस्ट कैसा है, उसके बाद ये वीडियो अभी शूट हो रहा है। देखिए यहाँ पर बैटरी 100% है, मेरा वाईफाई चालू है, यहाँ पर देखिए ट्रूली 5G लिखा हुआ है जियो का और ये 4 अप्रैल का वीडियो है 11:59 मतलब 12 बजे दिन के 12 बजे से हम ये फोन को 100% चार्ज से निकाल कर यूज कर रहे हैं और बातों बातों में 1% बैटरी ड्रेन हो चुका है। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया यहाँ पर और 1% बैटरी ड्रेन हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी लगभग मैंने अपनी आंटी से बात किया जो कॉल आ गया था बीच में, जैसा मैंने बताया तो कॉल जब आ गया था तो मैंने तकरीबन अभी 20 मिनट बात किया है और 20 मिनट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 5% बैटरी ड्रेन हो चुका है। ठीक है, 5% बैटरी ड्रेन हो चुका है और यहाँ पर अभी 12:30 आधा घंटा में 5% बैटरी ड्रेन हो गया और सिर्फ मैंने कॉलिंग में बात किया, दूसरा कोई चीज पे नहीं। दोस्तों अभी बज रहा है दिन के 2 बजने वाला है लगभग, यहाँ पर हो चुका है और बैटरी मेरा यहाँ पर देखेंगे 89% बैटरी है, दिन के 2 बजने वाला है और देखते हैं। मैं ज्यादा यूज तो किया नहीं हूँ अभी तक, सिर्फ बात किया था और अभी नमाज पढ़ने गया था तो आया है। तो चलिए अभी इसको हम कंटिन्यू यूज करेंगे और देखेंगे कि बैटरी मेरा कल तक का चल रहा है या नहीं। तो अभी बैटरी बचा है 78%, ये है 2:00 मतलब 3 बजने वाला है, 4 मिनट बाकी है और अभी मैंने कंटिन्यू तकरीबन 1:10 से फोन को यूज किया है, नॉर्मल यूज किया है, गेम वेम नहीं खेला है, बस नॉर्मल यूज किया है, टेक न्यूज वगैरह जो देना है वो गूगल से निकाल रहा हूँ तो बस यही है। तो अभी 78% बैटरी बचा है, चलिए देखते हैं। और मेरा अभी जो चल रहा है वाईफाई वाला नेटवर्क चल रहा है और बीच में मैं फोन लेके बाहर भी गया था तो अपना फोन वाला भी जो है वो भी चल रहा था। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 61% बैटरी में आके रुका हुआ है जबकि मैंने 3 बार आज यूज किया है इसको। ठीक है, तो देखते हैं कब तक खत्म होता है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और ये कुछ फैक्ट करके आ गया। तो देखते हैं 61% है और कंटिन्यू डेटा ऑन है तो इस तरह का कुछ है, चलिए देख लेते हैं कब तक ये चलते रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी रात के 11:00 11:15 हो रहा है और 38% बैटरी यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, 38% बैटरी बचा है, रात के 11:15 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ड्रोन कितने तक का हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हो रहा है सुबह के यहाँ पर 3:29 और अभी 28% बैटरी है इसमें। चलिए देखते हैं आगे कितने देर में। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर सबसे पहले Antutu बेंचमार्क स्कोर की। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर जो है निकल के आया है आपके सामने 4,98,000, लगभग 5,00,000 के करीब Antutu बेंचमार्क स्कोर निकल के आया है। थ्रॉटलिंग के बारे में बात किया जाए तो थ्रॉटल जो है नेटवर्क को बंद करके किया जाता है, उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस सही पता चलता है क्योंकि बीच में मैसेज वगैरह आती है तो उससे क्या है थ्रॉटलिंग कर जाता है और आपको लगता है। जैसे अभी देखिए मैसेज आया ना यहाँ पर फेसबुक का एक, तो देखिए यहाँ पर थ्रॉटल कर गया, इसको फिर हटेगा तो ये सिंपल सा सीधा सीधा चलेगा। तो थ्रॉटलिंग का मतलब यही होता है कि बीच में कुछ भी बजे
भेजेगा या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फ़ोन थ्रॉटल करेगा, लेकिन अगर बिना कुछ बजे और थ्रॉटल कर रहा है तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर थ्रॉटलिंग देख रहे हैं आप, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया है ये चीज़, नो डाउट। और यहाँ पर बैटरी आप देखेंगे साथ ही साथ 1% बैटरी ड्रेन भी हो गया है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आता होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे के जो HDR 60 FPS पे वीडियो चलता है वो फंसता है या नहीं फंसता है, वो भी चीज़ अभी पता चल जाएगा। वैसे लोग पानी पानी सॉन्ग का भी बोल रहे थे और भी बहुत सारा बोल रहे थे, लेकिन हम चेक करेंगे। तो थ्रॉटल यहाँ पर हो चुका है लगभग, दोस्तों हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ज़बरदस्त आया है, परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त आया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम अब चेक कर लेते हैं 4K वाला, तो उसके लिए हम वाईफाई यूज़ करेंगे, क्योंकि भैया मोबाइल नेटवर्क में समझ सकते हैं आपके थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक 4K HDR सॉन्ग या 4K 60fps वीडियो इस पर हम मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वीडियो है मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वीडियो है ये वाला फंसता था पहले, तो अभी हम चेक कर लेते हैं फंस रहा है क्या। तो देखिए वीडियो आप लोगों के आंखें के सामने चल रहा है, और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये अभी 1080p पे था, अभी HDR P60 HDR, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन में चल रहा है, देख लीजिए। फिर ये घट के नीचे क्यों आ गया पता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर अभी हम रेजोल्यूशन एकदम टॉप पे बढ़ा दिए हैं, देखिए 2160 पिक्सल, मतलब 4K 60fps HDR वीडियो चल रहा है यहाँ पर। और अगर लैग स्टटर करेगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा ये वाला, आप ध्यान से देखिए ये वीडियो को, आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर, क्योंकि मैं फर्स्ट वाला इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर लैग स्टटर करेगा तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि लैग स्टटर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम था कि 60 fps पे वीडियो HDR वाला फंसता था, वो नहीं फंस रहा है। यहां पर देख सकते हैं कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा, और यहां पर पिक्चर क्वालिटी आप देख रहे हैं, तो इस तरह का यहां पर कुछ मिल रहा है। चलिए, लोगों का कहना था पानी पानी सॉन्ग जो है 4K वाला, पर ये वाला है 4K 60fps पे वीडियो, ठीक है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको, यहां पर हम बढ़ा लेते हैं, देखिए 4K P60, ठीक है, 60fps पे ये वाला चल रहा है, तो आपको अभी पता चल जाएगा यहाँ पर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, स्टार्टिंग में नहीं फंसता है। चलिए यहाँ पर आपको पता चल, कार वाला जो सीन है वहाँ पर पहले फंसता था, अभी फंस रहा है कि नहीं फंस रहा आप लोग वो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर फंसता था, ये जो निकलता था बोनट से तो यहाँ पर फंसता था, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं फंस रहा, मस्त मक्खन के जैसा चल रहा है। तो सही में मैंने टेलीग्राम में इस पर एक शॉर्ट वीडियो दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं जाकर, फोन में जरा भी 4K 60fps में वीडियो अब नहीं फंस रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया टेस्ट, अब बात करते हैं गेमिंग टेस्ट की, ठीक है। गेमिंग टेस्ट में क्या पता चल जाएगा, 12% बैटरी है यहाँ पर, और गेमिंग टेस्ट अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सब कुछ बैकग्राउंड से हम हटा दिए हैं, और यहाँ पर अभी हम चलते हैं BGMI में। तो BGMI हमारा कहाँ गया, वो हमें दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ पर, यहाँ रहा हम BGMI, तो चलिए BGMI को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर वीडियो मिलता है। BGMI जब चल रहा है तो हम यहाँ पर से स्टॉपवॉच भी शुरू कर दिए हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब देर हमने गेम खेला है, और बैटरी ड्रेन कैसा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा। और यहाँ पर फोकस मोड ऑन है, तो अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि 33 डिग्री टेम्परेचर है फ़ोन का, और 12% बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो सेवर वोर्ड में नहीं है, जैसे जो नॉर्मल रहता है उसी में, और जो हम गेम खेलेंगे वो मोबाइल नेटवर्क से खेलेंगे, वाईफाई से नहीं खेलेंगे, क्योंकि वाईफाई से खेलने से फेयर नहीं होगा, तो मोबाइल नेटवर्क से हम खेलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी पता नहीं 4G मतलब शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है पता नहीं। चलिए इसको हम 5G पे करते हैं यहाँ, तो चलिए हम ट्राई कर लिए हैं, 4G आए कि 5G, हाँ 5G आ गया है। तो चलिए यहाँ पर 5G आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है 5G, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि 5G में नेटवर्क कैसा जाता है और बैटरी ड्रेन कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी बैटरी के बारे में बात किया जाए तो 12% बैटरी है, और यहाँ पर गेम जो है शुरू हो चुका है, 1:28 शुरू हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, एक TDM खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गेम शुरू हो चुका है, और चलिए हम दिखाते हैं आपको गेमिंग कैसा होता है यहाँ पर। और अभी टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर आपके आंखों के सामने देख सकते हैं 35 डिग्री टेम्परेचर है, 11% बैटरी है, और गेम शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम इसका टाइम लैप्स ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए
3:13 से हम गेम शुरू किया है यहाँ पर, और चलिए देखते हैं कि किस तरह का गेम होता है यहाँ पर। ठीक है, लैग स्टार्टअप करता है कि नहीं करता है वो सारा चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, हमारा हिसाब ख़राब हो गया स्टार्टिंग में ही दोस्तों, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन चलिए हम फिर से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं गेम। तो हमारा एक को हिसाब हमने कर दिया है और यहाँ पर हम रिलोड कर लेते हैं। तो कोई हमें पहना दिया कोना से दोस्तों, ऐसा होता है। खैर यहाँ पर देख सकते हैं आप गेमिंग किस तरह का हो रहा है। हमारा हिसाब ख़राब हो गया, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गेम हुआ और हम लगभग जीतने की कतार में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेम काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, फ़ोन हल्का हीट कर रहा है, तो देख लेंगे इस मैच के बाद कि कितना फ़ोन हीट किया है, पता चल जाएगा अभी। तो उसका गेम ने हमने बचा दिया, वो अपना ही आदमी था। तो यहाँ पर हिसाब हो गया हमारा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, देख सकते हैं गेम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, यहाँ पर मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। और लैग स्टार्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है ज़रा भी, ज़बरदस्त गेमिंग चल रहा है, गेम में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा हिसाब ख़राब हो गया, लेकिन गेम हमारा जो प्लेयर सब है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गेमिंग खेल कर रहे हैं वो लोग भी। और यहाँ पर तो पीछे से मारा कि कहाँ से मारा पता नहीं, लेकिन हिसाब हुआ हमारा। और यहाँ पर पता नहीं ब्राइटनेस थोड़ा अप डाउन हुआ है, लेकिन गेम ज़बरदस्त चल रहा है और हम लीड में हैं। तो हमारा गोली ख़त्म हो गया था दोस्तों, लेकिन गेम ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पर। Killing spree for the blue team. Reloading. तो पीछे से कोई मारा होगा, जी हाँ वही लग रहा था। पीठ पे गोली मारते हैं ये लोग, छाती पे मारना चाहिए, लेकिन क्या बोले हमारे जैसा नहीं है सब। तो इस तरह का दोस्तों गेम हो जाता है और हम काफ़ी ज़बरदस्त मर रहे हैं। और आप लोग को ही लगता होगा कि कैसा हीटा गेम खेल रहा है, लेकिन ऐसे ही खेलते भैया, क्या करें, हम लोग प्रो नहीं हैं। अबे अपने ही पास फोड़ दे रहा है मेरा भाई, बताइए अपने ही पास फोड़ दे रहा है। लीड तो हो गया है अभी आप लोग दोस्तों, एकदम मतलब फेयर पता चलेगा। Blue team is about to win.
हमारा हिसाब ख़राब हो गया, लेकिन विन के कतार में, क्योंकि हमारा जो पार्टी है काफ़ी ज़बरदस्त। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का यहाँ पर गेम चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो पीछे से मार दिया, वही होता है दोस्तों। तो हम जीत गए दोस्तों। और यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए तो 39 डिग्री टेम्परेचर है, 8% बैटरी, मतलब 12 में था 4% बैटरी ड्रेन हुआ है। और यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट गेम चला है, ठीक है। हम लिप ले लेते हैं, फिर 5 मिनट यहाँ पर दोस्तों गेम चला है, देख लीजिए, ठीक है। 5 मिनट 48 सेकंड यहाँ पर चला है गेम। चलिए दूसरा भी हम देख खेल लेते हैं और देखते हैं लिविक का एक गेम खेलते हैं दोस्तों, और उससे ये पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर लिविक हम दोस्तों खेल लेते हैं और लिविक में चलते हैं कि किस तरह का गेम चल रहा है, नहीं चल रहा पता चलेगा। वैसे दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8% बैटरी है और टेम्परेचर जो दिया है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो देख सकते हैं, देख लेते हैं कि मैक्स कितना जाता है, लास्ट जहाँ पर पीक पॉइंट रहेगा वहीं पर हम बता देंगे कि हाँ इतना तक का गया है। और यहाँ पर ग्राफिक के बारे में बात किया जाए तो ग्राफिक जो है दोस्तों हम हाई पे खेल रहे हैं, देख सकते हैं स्मूथ एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं, तो आपको एकदम फेयर रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए हम ये सब चीज़ को स्किप करेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम उतरने वाले, और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो आप लोग बोलेंगे कि कैमरा टेस्ट नहीं दिया, तो कैमरा टेस्ट पे एक डिटेल वीडियो आएगा एकदम एक्सट्रीम कैमरा टेस्ट के, इसके बाद परफॉर्मेंस वगैरह कैसा, उसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कैमरा टेस्ट इसमें नहीं दे रहे, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस पे चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं मिलेगा, कैमरा टेस्ट 1-2 दिन में आ जाएगा आप लोगों को, और नाइट सारा कुछ, मतलब नाइट में डे में वीडियो क्वालिटी सब कुछ मिलेगा, और कुछ एक्सक्लूसिव भी रहेगा, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, तो इस तरह का हम देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं मिला, क्यों नहीं दिया। गेमिंग यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, ज़रा भी लैग स्टार्टर अभी तक देखने को नहीं मिला है। चलिए देख लेते हैं आगे आगे किस तरह का गेम चलता है। हम निकलते हैं बाहर, और आप लोग पता है कि मार काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और यहाँ पर शायद टेम्परेचर बढ़ा है तो थोड़ा सा, यहाँ पर 6% बैटरी है, 41 डिग्री टेम्परेचर है, लास्ट में हमने चेक किया था तो 43 तक का गया था टेम्परेचर, यहाँ पर देख लेते हैं 43 तक का जाता है या उससे कम रहता है या ज़्यादा रहता है, वो चीज़ पता चल जाएगा। और लिविक का गेम है दोस्तों तो ज़्यादा लंबा ये गेम चलता नहीं, इसीलिए हमने लगाया, और शर्ट निकल भी जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए और थोड़ा सा देखिए गेम किस तरह का होता है। वैसे हम पार्ट बाय पार्ट स्किप भी कर देंगे, अगर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं दिखाना है तो वो पार्ट को हम स्किप कर देंगे, उसके लेके आप बेफिक्र रहिए। वैसे देख सकते हैं गेम जरा भी फंस नहीं रहा है, मस्त चल रहा है मक्खन के जैसा एकदम, और जीप है खड़ा हुआ तो हम जीप ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे करते हैं कि किस तरह का गेम चल रहा। तो चलिए हम जीप लेते हैं और अपने सहयोगी दीपक चौरसिया को बैठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, हॉर्न मारते आ जाओ। तो 5% बैटरी हो चुका है और टेम्परेचर जो है यहाँ पर 41 पे पहुँच गया है, 60 FPS पे गेम चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं हो रहा है किसी तरह का। तो चलिए हम ड्राइवर सीट से हट गया, और भाई लोग को जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाए, क्योंकि अपने को पानी निकालना है, मतलब अरे बाप, लगता कोई भारी ड्राइवर को हमने दे दिया है दोस्तों हैंडल। खैर देखते हैं, सॉरी हैंडल पर स्टेयरिंग, हम भी थोड़ा चमन हो गए। वाह भाई मेरा, वाह ज़बरदस्त गेम चल रहा है। तो बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं 5% बैटरी है, और 5G नेटवर्क मस्त चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की बारिश हो रही है, सारी मजाक कर ले रहे हैं। 41 डिग्री टेम्परेचर है, देखते हैं 41 से ऊपर 42 जाता है या नहीं, क्योंकि लास्ट में बैटरी ड्रेन, मतलब गेम फंसता है अक्सर। मैं बड़ा बोलूँ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बोलूँगा कि रेडमी का फ़ोन रहता है और लास्ट टाइम में अगर पहुँचते इस तरह से 5% में अगर गेम खेलेंगे तो वहाँ पर गेम के अगर कुछ भी करेंगे तो 5% में बैटरी मतलब नीचे जाता है तो गेम फंसता है, कुछ भी लैग वगैरह करने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, तो टेंशन नहीं है। हाँ कभी कभी यहाँ पर सिर्फ ब्राइटनेस जो है नीचे चल जा रहा है थोड़ा थोड़ा देर में, वो चीज़ मुझे सही नहीं लग रहा है, बाकी यहाँ पर गेम सही चल रहा है। और टेम्परेचर देखेंगे तो 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का
यहाँ पर चल रहा है। वैसे हमने सारा टेस्ट तो लगभग दे दिया, बस यही एक बचा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 अभी तक 43 डिग्री में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन ऑफ होगा। तो ये बोल रहा है कि बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, फ़ोन को ऑफ़ करिए, लेकिन हम फ़ोन करेंगे नहीं ऑफ़ क्योंकि हम ढीठ है। और टेम्परेचर देख सकते हैं दोस्तों, 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है, 44 तक का गया है क्योंकि लास्ट प्रीवियस में 43 तक का था, 43 से ऊपर नहीं गया था और यहाँ पर 44 तक का पहुंच गया है। तो टेम्परेचर जो है अभी लास्ट अगर देखा जाए इस अपडेट में तो 44 डिग्री तक का टेम्परेचर जा चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि गेम को रिस्टार्ट इसीलिए करता है ताकि जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके, 43 से ऊपर नहीं जाता। देखिए, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर 1% बैटरी बच गया है और हम यहाँ पर अब गेम को बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेम को बंद करते हैं क्योंकि 1% बैटरी बच गया है और हमें ये चीज़ पता चल गया है कि लास्ट 44 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। और यहाँ पर इसको भी हम स्टॉप करते हैं, तो लगभग 21 मिनट समझ लीजिए हमने गेम खेला है और 21 मिनट में 12% बैटरी ड्रेन हुआ है। तो 21 मिनट में अगर 12% बैटरी ड्रेन हो रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह का बैटरी किस लेवल पे ड्रेन हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अपडेट के बाद वाकई में जो बैटरी है काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का ड्रेन हो रहा है। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि हमने जो यूज़ किया है बैटरी यूजेस बाय ऐप पे जाएंगे तो देख लीजिए ग्राफ जो है हमारा लगभग, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लगभग हमने 18 घंटा हमने यूज़ किया है फ़ोन को, फुल चार्ज के बाद 18 घंटा हमने यहाँ पर टाइम दिया है। और यहाँ पर जो है आईमो वगैरह हमने गेम अभी खेला है, बाकी इससे पहले गेम नहीं खेला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा यूजेस है, क्या क्या हमने यूज़ किया, सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चलता होगा। तो होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इस अपडेट के बाद बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का ड्रेन हो रहा है और वाकई में ड्रेन हो रहा है। ट्विटर में मैं टैग करूँगा रियलमी को कि इस चीज़ को फिक्स करें। आप लोग को बस इतना करना है कि ट्विटर में आना है, वहाँ पर जो मैं करूँगा उसका रीट्वीट करना है और रियलमी को करना है, रियलमी इंडिया सपोर्ट को आपको वहां पर टैग करना है, मैं भी करूंगा। और ये चीज जो हमारी परेशानी है कि इस फोन में बैटरी ड्रेन बहुत ही जबरदस्त टाइप का हो रहा है, वो चीज को रियलमी जल्द से जल्द फिक्स करे। बाकी कैमरा टेस्ट बहुत ही जल्दी आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस टेस्ट से हमें यही पता चला कि बैटरी जो है 20 मिनट में समझ लीजिए 11% बैटरी ड्रेन होता है और टेम्परेचर जो है लास्ट 44 डिग्री तक का जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। और चार्जिंग में लगभग 1 घंटा से ऊपर का समय लग रहा है, 1 घंटा तक का लग रहा है। और बैटरी बैकअप जो है 18 घंटा का मिल रहा है नॉर्मल यूज़ में, और गेमिंग करेंगे भैया तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह का है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। और Realme 10 Pro Plus से लेकर रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।